तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि कैसे VEMI को प्रोग्रामिंग की मदद से आप एक्सेल की फॉर्मूला लगा सके, मतलब यानी एक्सेल की जो फॉर्मूले होते हैं VLOOKUP, SUM, COUNT, MAX, MINIMUM, ऐसे फॉर्मूले आप VBA में कैसे लगाए। तो आपके सामने जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ VLOOKUP से। जैसे मुझे पूजा का डेटा यहाँ पे चाहिए, पूजा का सेल्स यहाँ पे चाहिए, तो जनरली हम VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं VLOOKUP को ना लगा, इसी VLOOKUP को हम VBA के थ्रू लगाना है। कभी कभी हमें क्या होता है, जरूरत पड़ जाती है, आगे क्लासेस में आप देखेंगे तो कैसे लगाएंगे। तो VLOOKUP का फंक्शन नहीं लगेगा, VLOOKUP का फॉर्मूला ट्रिगर करेगा और रिजल्ट इसको यहां पे देगा। तो जैसे यहां पे चलिए हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल को, इंसर्ट मॉड्यूल सब्जेक्ट रियल के VLOOKUP के नाम से हम यहाँ पे अप्लाई किए। इसके बाद हम करते हैं dim r as a range, यहाँ पे सिस्टम डिफाइन करना भी जरूर नहीं है, डायरेक्ट डाल सकते हैं यहाँ पे। ये है आपका h3, तो रेंज यहाँ ध्यान से क्या, रेंज इन्वर्टेड कॉमा में h3 को रखेंगे डॉट वैल्यू। अब क्या है कि बहुत सारे एक्सेल के फॉर्मूले हैं जो VBA को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लेन का फॉर्मूला हो गया, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका मतलब कि VBA को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन VLOOKUP और ऐसे फॉर्मूले VBA को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करते हैं बट डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आएगा, इसका मतलब है कि इसने VBA को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया है। तो उस केस में क्या करेंगे, वहां पे मैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट VLOOKUP करूँ, लेकिन जो भी आर्गुमेंट VLOOKUP के एक्सेल के होते हैं सेम आर्गुमेंट सेम सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। देखिए ऐसा नहीं कि इसमें हम एक्सेल मेथड को यूज करें, जैसे कि आपको रेंज देना है H1 देना है H3 देना है तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में H3 लिख दें, नहीं एक गलत होगा। हम जो भी इनपुट देंगे VBA मेथड से देंगे, मुझे H3 देना है, H3 क्या रेंज है, तो यहाँ पे हम देंगे रेंज, रेंज में हम देंगे यहाँ पे H3 डॉट वैल्यू पूरा देंगे। उसके बाद क्या देना है, रेंज देना है, रेंज क्या होगा, रेंज क्या हमारा A1 से AB। अब किसी और शीट में है तो शीट का नाम देना होगा, बट सेम शीट में है तो मैं यहाँ पे सिंपल A से लेके B तक दे देता हूँ। उसके बाद दूसरा कॉलम एंड 0, ये हमारा VLOOKUP का फॉर्मूला लगा के उसकी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट डाल देगा। जिसमें उसको रन किया तो यहाँ पे रिजल्ट 53 आ गया। तो ऐसा नहीं कि VLOOKUP फॉर्मूला इसने लगा दिया, जो जनरली हम लोग यहाँ लगाते हैं, एक फॉर्मूला ने लगाया, उस फॉर्मूले को परफॉर्म करके उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे डाल दिया। ऐसे मान लीजिए मुझे सम इफ का फॉर्मूला लगाना है J3 पे, तो J3 यहाँ पे J3 पे लगाना है, यहाँ पे लिखेंगे रेंज J3 डॉट वैल्यू। अब सम इफ का फॉर्मूला या सम इफ का फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, उसके बाद डॉट यहां पे देंगे हम सम इफ देते फिलहाल सम इफ ब्रैकेट। तो सम इफ में होता है रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज हमें कहां मैच करना है, एक कॉलम में क्राइटेरिया क्या है पूजा और सेल, सम क्या करना है B1 में। यहां पे हम देंगे रेंज ए वाइज से ए पूरा एक कॉलम डॉट रेंज H3 डॉट वैल्यू,
कॉमा रेंज बी से डी। ये हो गया। अब इसको रन कीजिए तो आप देखिएगा कि सम इफ का यहाँ टोटल करके डाल दिए। और अब मुझे सम इफ लगाना है के थ्री पे, तो कैसे करेंगे? तो सम इफ का आर्गुमेंट क्या होता है, यहाँ पे के थ्री देता हूं मैं, के थ्री सम इफ का आर्गुमेंट क्या होता है? सम इफ का आर्गुमेंट होता है सम रेंज। किसको सम किसको करना है? तो हमें कॉलन बी को करना है। तो मैं यहां पर रेंज पूरा बी कॉलन को ले लिया इस तरह से, कॉमा कंडीशन वन रेंज, कंडीशन वन क्या है ए, रेंज पूरा ए कॉलन को ले लिया। अब यहां पे क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया हमारा है एस थ्री, तो रेंज एस थ्री डॉट वैल्यू। ऐसे क्राइटेरिया फोर फाइव सिक्स सेवन हम करते थे। सर एक वीलुकअप में मेरा क्वेश्चन है। हाँ जैसे कि आप सीट में जाइएगा थोड़ा। हाँ यहाँ पे पूजा है, सपोज मेरे लिए मुझे 10 नेम चाहिए, 10 नेम का भी लुकअप करना है, तो उसमें क्या एच 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 थ्री से लेकर के एच 18 तक रेंज डालेंगे राइट? और लूप लगेगा। अच्छा ये लूप लगाना पड़ेगा। जी 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 सब्जेक्ट हमने लुकिंग किया। अब जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि पूजा इस तरह से, मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए कि आपका सेवन तक है, तो ये थ्री टू सेवन है राइट? यहाँ पे लूप लगेगा कि फोर आई इक्वल टू प्ले सेवन टू थ्री टू सेवन ना, थ्री टू सेवन। वन टू भी कल किया जा सकता है, लेकिन थ्री टू सेवन से क्या हुआ कि मैं आई को एज अ रोल यूज कर लूंगा ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मुझे आई यहाँ पे आई कॉलम में रिजल्ट चाहिए ना, जिलों को कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आई थ्री के जगह पे हम यहाँ कोलकाता में कर देते हैं आई को, आई को हमने बाहर रखा है, और यहाँ भी एच थ्री को कोलकाता में कर देते हैं आई, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। तो जैसे इसको रन कीजिएगा इस सब का रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। दिया सर, लेकिन पूजा रिपीटेड है, मान लीजिए पूजा दो बार है तो एक ही बार है, जो वी लुकअप जो आर्गुमेंट और जिस कंडीशन से एक्सेल पे चलता है वही आर्गुमेंट उसी कंडीशन से वी बी पे भी चलेगा। समझ गया जी सर? विवेक जी समझ में आया आपको? विवेक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? म्यूट कर रखा आपने, अनम्यूट करे तो सुन पाऊंगा मैं। हाँ जी सर आगे सर। अरे समझ ना। हाँ जी सर आगे सर। जैसे मान लीजिए इसी में अगर आपका रो एन कॉलम नंबर में है, जैसे कि आप आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कॉलम, से मान लीजिए कि मुझे रिजल्ट जो है अलग अलग कॉलम में है, तो अगर आपने रो एन कॉलम डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि रे यहाँ पे डिम चला गया dim r as a integer और dim c as a also integer, और मान लीजिए कि r यहाँ पे मैं 1 2 करता यहाँ पे मैं कर देता हूँ r equal to i और यहाँ लूप से बाहर कर देता हूँ सी इक्वल टू मान लीजिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये आर वन सी में बताता हूँ कैसे करेंगे। मुझे यहाँ लुकअप में देना है ना यहाँ पे,
तो ये लुकअप वैल्यू जो हो जाएगा सेल्स के अंदर में, सेल्स आर कॉमा सी, ठीक है ना, इस तरह से देंगे हम, ओके क्लियर है आप लोगों को? अब देख दी नवीन जी, तो आप लोग मुझे कम से कम 15 एक्सेल फॉर्मूले को वीवीएन में यूज करके दे दिए, जी हाँ 15 फॉर्मूले,